हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी जावा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उसकी संरचना किस तरह होती है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम किस तरह से लिखा होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमने देख लिया कि प्रोग्राम जो होता है वो क्लास से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी कमेंट दे देते हैं, जैसे कोई भी कमेंट, चाहे सिंगल लाइन कमेंट हो चाहे मल्टी लाइन कमेंट हो, हम सबसे ऊपर यानी प्रोग्राम बनाने से सबसे पहले हम क्या देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये सजेस्टेड होता है, यदि आप देना चाहें तो भी ठीक है, नहीं देना चाहते तो भी ठीक है। यदि आप दे रहे हैं तो जो दूसरा यूजर आएगा उस प्रोग्राम को देखेगा, उसे समझने में आसानी होगी कि ये आखिर जिसने ये प्रोग्राम बनाया है वो पहले यूज क्या किया है, किस पर्पज के लिए बनाया है, ये सारी चीज़ें उसमें सजेशन देने के लिए यूज होती है। तो पहला क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दूसरा क्या होता है, पैकेज स्टेटमेंट। जब हम देखते हैं दोस्तों कि जब कोई प्रोग्राम पैकेज बनाने के लिए यूज करते हैं, जब हम पैकेज बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पैकेज कीवर्ड और पैकेज का नेम देते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं पैकेज स्टूडेंट। ये अगर हम अपने से बनाते हैं तब पैकेज स्पेस स्टूडेंट सेमी कॉलन। और इसी तरह से अगर बिल्ट इन पैकेज देखा जाए तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, फिर इसके बाद जावा स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट उसके जो क्लास होते हैं, या कि स्टार कर दिए तो सभी क्लासेस एक्सेस हो जाती है, और सेमी कॉलन। ठीक, तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो सीधे पैकेज कीवर्ड और पैकेज का नेम, यानी कि पैकेज स्टूडेंट, जैसे हमने बनाया स्टूडेंट नाम की अगर पैकेज बना रहे हैं तो। फिर ये ऑप्शनल होता है दोस्तों, जैसे पैकेज स्टेटमेंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यदि आप बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाना चाहते तो भी ठीक है। फिर तीसरा होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इंपोर्ट जो हमने अभी आपको बताया कि जो पिछला हमने बताया आपको, ये जो पैकेज स्टेटमेंट होता है वो हम जब सेल्फ बनाते हैं पैकेज तब के लिए यूज होता है, ऑप्शनल है, हम बनाना चाहें तो भी ठीक है, ना बनाना चाहें तो भी ठीक है। तो तीसरा है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं हम कोई भी, जैसे कि हम कह सकते हैं सी में हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सी प्लस प्लस में हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ये जो हेडर फाइल्स होती हैं, इसी तरह जावा में इंपोर्ट की ओर से इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार करके हम और सेमी कॉलम से इंपोर्ट फाइल यूज करते हैं। तो हम तीसरा, ये भी ऑप्शनल ही है कि हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाते हैं और नहीं लगाते तो भी काम चलता है, हमारा प्रोग्राम बनता है, ऐसा नहीं है, जब हम उसकी क्लास को एक्सेस करना चाहेंगे तब होता है ऐसा। ठीक, तो चौथा क्या है, इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। इंटरफेस स्टेटमेंट ऐसा होता है कि हम नॉर्मल जब इंटरफेस बनाते हैं तो पहले इंटरफेस सेम क्लास जैसे ही होता है, तो इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट या जो भी है तो हम उसको जब अपने क्लास में इनहेरिट करते हैं तो किस कीवर्ड से, एक्सटर्नल कीवर्ड से, तो इनहेरिट करते हैं तो सबसे क्लास से पहले भी हमको इंटरफेस स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, और ये ऑप्शनल होता है, हम इंटरफेस बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, डायरेक्ट क्लास भी बना सकते हैं। फिर होता है क्लास डिफिनीशन। तो क्लास डिफिनीशन क्या होता है कि हम जब क्लास की डिफिनीशन देते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्लास की डिफिनीशन देते हैं तो मतलब इंटरफेस स्टेटमेंट के बाद हम क्लास बनाते हैं और क्लास की डिफिनीशन देनी पड़ती है। फिर होता है मेन मेथड क्लास, जिसमें मेन मेथड की डिफिनीशन देनी पड़ती है। तो ये क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन मेथड जो होता है, तो आपने देखा होगा कि जो मेन मेथड है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। हम जब तक क्लास नहीं बनाते तो वो स्टार्ट नहीं होता हमारा प्रोग्राम, तो हमको क्लास बनाना पड़ता है। ठीक, और जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको मेन फंक्शन की जरूरत होती है, और जब तक हम मेन क्लास नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी मीन्स नहीं निकलता। कोई भी प्रोग्राम जब तक कि मेन फंक्शन यानी मेन क्लास में ये जो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ARGS और अरे कैचिन, ये जो होता है मेन क्लास होता है, तो अगर हम जब तक ये नहीं बनाते हैं तब तक हमारे प्रोग्राम का कोई मीन्स नहीं होता है, तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और प्रोग्राम कोई, ये इसेंशियल होता है, जब तक ये चीज़ हम नहीं बनाएंगे तब तक हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, मतलब जावा का प्रोग्राम ही नहीं है। तो हमने आज क्या देखा,
जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो कि सजेस्टेड होता है, दूसरा है पैकेज स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल होता है, तीसरा इंपोर्ट स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल होता है, चौथा इंटरफेस स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल होता है, क्लास डिफिनीशन जो भी ये भी ऑप्शनल होता है। मतलब पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो कि सजेस्टेड है, और अंत में मेन मेथड क्लास और मेन मेथड की डिफिनीशन, ये इसेंशियल होता है। जब तक हम मेन क्लास नहीं बनाएंगे तो जावा प्रोग्राम ना के बराबर है। तो दोस्तों यदि आपको जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जानना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके जावा प्रोग्राम बनता है, उसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।